हाय गाइस, वेलकम बैक टू ज़ाहिरा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ इंडिया की फेवरेट डिश मखाने की खीर। कोई भी डिनर पार्टी, फेस्टिवल एंड इवेंट्स मखाने की खीर के बिना अधूरी है। सो वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलिए शुरू करते हैं। मखाने की खीर बनाने के लिए हमें चाहिए 1-2 टेबलस्पून ऑफ घी, शुगर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, आर मेन इंग्रेडिएंट मखाना, एंड नाउ सम ऑफ द ड्राई फ्रूट्स, किशमिश, चॉप्ड काजू, राइस जिसे मैंने वाटर में सोक कर लिया था, एंड चॉप्ड बादाम। सबसे पहले हम लेंगे एक नॉन स्टिक कढ़ाई और इसमें मिल्क को हम ट्रांसफर कर देंगे। मैंने करीबन 1 लीटर मिल्क लिया है एंड हाई फ्लेम पे हम इसे एक उबाल आने देंगे। आप देख सकते हैं मिल्क में बॉईल आ चुका है, तो हम सोक्ड राइस डाल देंगे। ऐसा करने से खीर में गाढ़ापन आएगी, और चावल के बिना तो हर खीर अधूरी होती है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद 10 मिनटों के लिए इसे लो फ्लेम पे कुक होने देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, चॉप्ड बादाम, काजू करीबन 7 से 8 जिसे मैंने चॉप्ड कर लिए हैं, एंड नाउ शुगर, टोटली डिपेंड्स अपॉन योर टेस्ट। इसके बाद हम ऐड करेंगे किशमिश, थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग के लिए बचा लिया है। और अब खीर को 5 मिनटों के लिए स्टर करते रहेंगे। सो इस बीच में हम मखाने को फ्राई कर लेते हैं, जिसके लिए मैं एक पैन लूंगी और ऐड करूंगी 1 टीस्पून ऑफ घी, और इसके अंदर हम डालेंगे मखाना और इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने टाइम में फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे। तो ये कुरकुरी हो गई है एंड फ्लेम को हम कर देंगे बंद और खीर में इसे डाल देंगे। अब इसे अच्छे से स्टर करेंगे और करीबन 10 से 15 मिनटों के लिए लो फ्लेम पे इसे कुक होने देंगे। एज यू कैन सी, खीर काफी गाढ़ी हो चुकी है, बट लेट्स ट्राई द मखानास। मखाने को और सॉफ्ट करने के लिए खीर को मैं 5 मिनटों तक लो फ्लेम पे और कुक करूंगी। 5 मिनट हो चुके हैं एंड मखाने की खीर बिल्कुल रेडी है, एंड इट्स टाइम फॉर सर्विंग। सो इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे। वैसे मखाना बहुत ही न्यूट्रिशियस एंड बेनिफिशियल होता है। इट कॉन्टेन्स अ लॉट ऑफ फाइबर एंड प्रोटीन, सो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। मखाने की खीर को गार्निश करेंगे हम विद सम रेजिंस। इजंट दिस लुकिंग डिलीशियस? तो आप भी जाइए और इस टेस्टी रेसिपी को जल्दी से ट्राई कीजिए, और हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि कैसी बनी। सो लीजिए, बहुत ही मजे का मखाने की खीर तैयार है। सो अगर आपको मेरी ये हेल्दी एंड डिलीशियस रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।